फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो मोटरसाइकिल है पेट्रोल ओवर फ्लो हो रहा है, जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये कैसे ठीक करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पर लास्ट तक देखते रहिए फ्रेंड्स। ये है मोटरसाइकिल, इस इशू 250 सीसी। ये जो मोटरसाइकिल है अभी स्टार्ट भी नहीं हो रहा है और पेट्रोल काफ़ी ओवरफ्लो हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये जो पाइप है ओवरफ्लो का, जो पाइप है पेट्रोल का, यहाँ से पेट्रोल ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। और नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा पेट्रोल गिरा हुआ है। और इसको कैसे ठीक करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जब कचरा आ जाता है, धूल मिट्टी आएगा, धूल तो ऐसे ओवरफ्लो होता है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, टैंकी में चेक कराता हूँ इसका। टैंकी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टैंकी में ये देख सकते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले आपको अभी करना क्या है, टैंकी खोलना पड़ेगा, इसका जो फ्यूल टैंक है पेट्रोल वाला, ये फ्यूल टैंक खोलना पड़ेगा और कार्बोरेटर भी खोलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे भी ये जो पेट्रोल का जो ऑन ऑफ का एक स्विच होता है, इसके अंदर भी एक फ़िल्टर होता है, यहाँ पे ये इसके अंदर फिल्टर होता है, इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। इसके अंदर फिल्टर होता है, इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो हवा फिल्टर है, काफ़ी सारा पेट्रोल जमा होगा था इसका हवा फिल्टर। ये देख सकते हैं आप, इतना सारा पेट्रोल है इसमें, ये पूरा देख सकते, पूरा पेट्रोल है भेजा हुआ। देख सकते हैं आप कितना पेट्रोल जमा है। फिर मैं आपको, ये टैंक में 2 10 नंबर का बोल्ट होता है फिल टैंक में, इसको यहाँ से टैंक खोल लिया। उसके बाद ये जो है कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर भी खोलना है। कार्बोरेटर आपको मैं बताऊंगा कैसे क्लीन करना है, ठीक है। कार्बोरेटर खोलने के लिए आपको जो ये केबल है चौक का, इसको खोल लेना है। ये यहाँ पे एक स्टार का स्क्रू है और यहाँ पे भी एक स्टार का स्क्रू है, और दूसरा साइड में इधर, ये दूसरा साइड में ये जो केबल है, ये यहाँ से स्लटर का जो केबल होता है, स्लटर का केबल जो है, यहाँ से ये खोल कर पेच अंदर से निकाल लेना है। खोल कर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्लीन करते हैं। यही कार्बोरेटर है, ये स्क्रू यहाँ से, दो स्क्रू है, पहले दो स्क्रू खोल लेना है। देख सकते हैं इसमें कचरा है, इसमें भी कचरा है। ओवरफ्लो बल्ब जो है ये है, ये इसका ओवरफ्लो बल्ब है, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये स्क्रू खोल लेना है, और ये स्क्रू खोलने के बाद यहाँ से ये जो बल्ब है यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। फिर पेट्रोल इधर से आता है, और ये जब इधर पेट्रोल फुल हो जाता है तो इसको ऐसे बंद कर देता है, ये
ये ऐसे रहता है, खुला रहता है, जब पेट्रोल फुल हो जाता है तो इसको ऐसे बंद कर देता है, और इसमें कचरा हो जाएगा या अच्छे से बंद नहीं होएगा तो इधर से ओवरफ्लो होता है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से होके ये पाइप से नीचे निकल जाता है, इसलिए ओवरफ्लो होता है। अगर यहाँ पे अगर कचरा वचड़ा है और ये ख़राब भी हो जाता है, तो ख़राब तो है नहीं, ये कार्बोरेटर नया है, और ये ओवर बल्ब भी ख़राब हो जाता है कभी कभी, तो ऐसे होता है। लेकिन ये बल्ब ख़राब अभी नहीं है क्योंकि कार्बोरेटर अभी नया है, ये बस इसमें ये जो मिट्टी है कचरा है इसी की वजह से ऐसे हो रहा था। अब इसको करना क्या है, इसमें थोड़ा पेट्रोल से अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद फिर सेम जैसे खोला वैसे फिट कर लेना है। उसके बाद टैंक को भी क्लीन करना पड़ेगा अच्छे से, और ये जो फिल्टर है इसके अंदर, मैं आपको फिर दिखाता हूँ, इसके अंदर भी फिल्टर होता है, ये फिल्टर भी खोल के साफ़ करना है, इसके अंदर फिल्टर होता है। ये दो यहाँ पे बोल्ट है 8 नंबर का, ये दोनों 8 नंबर का बोल्ट खोल के लेना है। कितना कचरा है यहाँ पे, ये देखो ये कितना कचरा है। ये तो आप कितना बार भी कार्बोरेटर क्लीन करेंगे, टैंक क्लीन करेंगे, अगर आप ये नहीं क्लीन करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा से अभी क्लीन करना पड़ेगा। देख सकते हैं कितना कचरा है। ये देख कितना कचरा है। एक्स्ट्रा एक फिल्टर लगाएंगे, जुगाड़ करेंगे, उसको मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो ओवरफ्लो का बल्ब है यहाँ पे, हमारा कार्बोरेटर कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं फिल्टर जो है बिल्कुल क्लीन हो गया है, फिल्टर बिल्कुल क्लीन है। उसके बाद टैंक भी पूरा अंदर से क्लीन कर लिया है। अभी हम टैंक और कार्बोरेटर सारे फिटिंग करके उसके बाद फिर मैं आपको चेक कराता हूँ, 100% अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी हम सारे फिटिंग कर लिया है, देख सकते हैं आप, ये टंकी है और ये कार्बोरेटर और नया एयर फिल्टर, ये इसके अंदर जो पेट्रोल था हमने सारा क्लीन कर दिया है, पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, नया पेट्रोल नया एयर फिल्टर डाल दिया है, और टैंक क्लीन किया और कार्बोरेटर क्लीन किया। अब मैं इसको करना क्या है, हमारे पास एक टोयोटा का फिल्टर है इंजन पेट्रोल गाड़ी का, मैं इसको अभी एक्स्ट्रा मैं फिटिंग करता हूँ, इसको मैं लगाऊँगा क्योंकि ये बार बार ओवरफ्लो हो रहा था, इसलिए मैं आपको सोचा कि ये जो फिल्टर है यहाँ से जो पाइप ये आ रहा है, ये पाइप में
और इसके साथ में मैं इस बीच में इसको ज्वाइंट करूँगा, क्योंकि पेट्रोल जो धूल मिट्टी वाला जो पेट्रोल है कचरा है वो कार्बोरेटर में नहीं जाएगा, उसके बाद कभी ओवरफ्लो। ठीक है, चलो मैं अभी इसको फिल्टर का लगा के फिर मैं आपको स्टार्ट करने टाइम में चेक कराऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, टैंक और कार्बोरेटर सारे लगा लिया है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके चेक कराता हूँ। अभी आप देख सकते हैं पहले बिल्कुल फुल हो गया था ये फिल्टर में, और ये नया फिल्टर डाला है, एयर फिल्टर टैंक वगैरह लगा लिया है। और मैं आपको बताया था ये एक्स्ट्रा मैं एक फ़िल्टर लगाया, पेट्रोल जो कचड़ा उचड़ा है इसमें जमा हो जाएगा, कार्बोरेटर में नहीं पहुंच पाएगा, नहीं तो फिर से ओवरफ्लो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये ओवरफ्लो पाइप है, अभी बिल्कुल ओवरफ्लो नहीं है, यहाँ से पहले पूरा पेट्रोल निकल गया था। चलो मैं अभी स्टार्ट करके चेक कराता हूँ। स्विच ऑन कर लिया है, ये सेल्फ स्टार्टर है, करना है और ओवरफ्लो होता है तो कैसे ठीक करना है आपको समझ में आ गया होगा। चलो